Hey guys, what's up? This is Jonathan और आज मैं God of War Ghost of Sparta के फुल स्टोरी को हिंदी में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ये एक हैक एंड स्लैश एक्शन एडवेंचर गेम है जो 2 नवंबर 2010 को रिलीज हुआ था। और अगर आपको पता ना हो तो मैं God of War के फुल सीरीज को पार्ट बाई पार्ट एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इसलिए अगर आपने अभी तक पिछले पार्ट को नहीं देखा है तो पहले जाके उस पार्ट को देख लीजिए, वरना आपको इस पार्ट में क्या और क्यों हो रहा है कुछ भी समझ में नहीं आएगा। पिछले पार्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो पे लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, और इस टाइप के और भी वीडियोज देखने के लिए मेरे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। कहानी की शुरुआत में हम क्रीटोस को देखते हैं, जो एरीस को मारने के बाद अब ओलिंपियन गॉड्स का घर यानी माउंट ओलिंपस में एरीस के सिंहासन में बैठ के नया गॉड ऑफ वॉर बन के राज कर रहा है। गॉड ऑफ वॉर बनने के बावजूद भी क्रीटोस उसके मृत बीवी और बेटी के दर्दनाक यादों से मुक्त नहीं हुआ था। पर एक दिन इन यादों के साथ क्रीटोस को अचानक एक विजन दिखाई देता है। इस बार क्रीटोस उसके विजन में उसकी माँ यानी कैलिस्टो को देखता है, जो क्रीटोस को मदद के लिए ज्यूस का भाई और समुद्र का देवता पोसाइडन के टेंपल में बुला रही है। पोसाइडन के टेंपल अटलांटिस में मौजूद है, और अटलांटिस एक महाद्वीप और पोसाइडन का राज्य है। क्रीटोस को लगा था बचपन में ही पहले उसका भाई डीमोस का और उसके कुछ साल बाद उसकी माँ कैलिस्टो की भी मौत हो गई थी, पर अब अचानक इतने दिनों के बाद उसके विजन में कैलिस्टो को देख क्रीटोस समझ गया था ये सिर्फ एक विजन नहीं है और शायद उसकी माँ अभी भी जिंदा है। इसलिए क्रीटोस उसकी माँ की तलाश में अटलांटिस के लिए रवाना हो जाता है। अगर आपको पता ना हो तो टाइटंस के हार के साथ ज्यूस गॉड्स का नया किंग बनता है, और माउंट ओलिंपस के राजगद्दी पे बैठने के बाद ज्यूस की शादी गॉडेस ऑफ मैरिज और प्रोटेक्टर ऑफ ओमन हीरा से होता है। उसके बाद ज्यूस और हीरा मिलके गॉड ऑफ वॉर एरीस, गॉड ऑफ विजडम एंड वॉर अथेना, गॉड ऑफ फायर एंड वोल्केनोस हेफेस्टोस जैसे कुछ शक्तिशाली गॉड्स को भी जन्म देते हैं। पर शादीशुदा होने के बावजूद भी ज्यूस काफी सारे खूबसूरत मॉर्टल लड़कियों से भी नाजायज संबंध बनाता था, जिसका फलस्वरूप हरक्यूलिस, पर्सियस, पेरिथोस जैसे डेमी गॉड्स यानी आधा इंसान और आधा गॉड्स के भी जन्म होता है। ज्यूस ने एक समय कैलिस्टो नाम के एक मॉर्टल ओमन से भी नाजायज संबंध बनाया था, जिसकी वजह से गेम का प्रोटैगनिस्ट क्रीटोस और उसका भाई डीमोस का जन्म हुआ। कैलिस्टो एक स्पार्टन ओमन थी जो एक छोटे गांव में रहती थी, पर उसका नाजायज संतान क्रीटोस को जन्म देने के बाद गांव वालों में क्रीटोस का असली पिता कौन है इस बारे में अलग अलग अफवाह फैलने लग गया। इसलिए मजबूरन कैलिस्टो शर्मिंदा होकर उस गांव को छोड़ के छोटा क्रीटोस को लेके स्पार्टन में रहने के लिए आ गया। क्रीटोस को कैलिस्टो ने उसके पिता के बारे में कुछ भी नहीं बताई थी, इसलिए क्रीटोस को खुद भी नहीं पता था वो और उसका आने वाला छोटा भाई डीमोस एक गॉड का संतान है। स्पार्टा में आने के बाद क्रीटोस का भी भाई डीमोस का जन्म हुआ। एंशियंट स्पार्टा में बच्चों को बेरहमी से बड़ा किया जाता था। स्पार्टन्स जिन बच्चों को शक्तिशाली मानते थे उनको फर्दर ट्रेन करते हुए एक स्पार्टन योद्धा में बदल दिया जाता था, जो आगे चल के स्पार्टा को प्रोटेक्ट करेंगे। पर कमजोर और बीमार बच्चों को पिंजरे में भर के पहाड़ी के ऊपर से फेंक दिया जाता था, इसलिए क्रीटोस उसके भाई डीमोस के साथ ट्रेन करते हुए खुद को और उसके भाई को भी एक शक्तिशाली स्पार्टन योद्धा बनाने की कोशिश करता था। दूसरी तरफ एक भविष्यवाणी से ज्यूस को पता चला ज्यूस का मौत कोई गॉड या फिर टाइटन के हाथों नहीं होगा, बल्कि ज्यूस का ही एक मॉर्टल सन, एक मार्क्ड वॉरियर ज्यूस के मौत का कारण बनेगा। और क्रीटोस का भाई डीमोस के शरीर में भी जन्म से कुछ अजीब किस्म के बर्थमार्क्स थे। ये देखने के बाद ज्यूस एरीस और अथेना को स्पार्टा में जाके डीमोस को बंधक बना के उसे लाने का ऑर्डर देता है। एरीस डीमोस को पकड़ने के बाद क्रीटोस एरीस से लड़ते हुए उसके भाई को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन एरीस क्रीटोस को घायल करते हुए उसके एक आई के ऊपर स्कार बना देता है। उसके बाद एरीस गुस्से में क्रीटोस को जान से मारने ही वाला होता है जब अथेना उसे रोक देती है। अथेना कहती है उन्हें सिर्फ जिस बच्चे के शरीर में मार्किंग से उसे लाने का ऑर्डर दिया गया है, इसलिए दूसरे मासूम बच्चों को मारने की
कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद एरीज और अथेना डीमोस को डोमेन ऑफ डेथ में गॉड ऑफ डेथ थैनाटोस के पास कैदी के रूप में छोड़ देते हैं। डोमेन ऑफ डेथ थैनाटोस का दुनिया है जहां वे उसके कैदी को अनंत काल तक टॉर्चर करता रहता है। थैनाटोस पहले पीढ़ी का गॉड यानी प्राइमोडियल गॉड है जो प्राइमोडियल के जंग से किसी तरह बच गया था। और थैनाटोस का कैदी होने का मतलब है अनंत काल का सफरिंग, क्योंकि इतना पावरफुल गॉड के कब्जे से एक मामूली इंसान या फिर डेमी गॉड का भी निकलना मुमकिन नहीं है। उसके बाद डीमोस थैनाटोस के हाथों सालों तक पीड़ा और सजा सहन करता रहा, यह आशा में कि एक दिन उसका भाई क्रेटोस जरूर उसे बचाने आएगा। पर सालों तक जंजीरों में कैद, नियमित रूप से टॉर्चर्ड होते हुए बड़ा होने के बाद डीमोस उस कैद से निकलने की सारी आशाएं त्याग कर दिया। साथ ही डीमोस उसके अंदर मौजूद इंसानियत को भी खो चुका था। सालों तक डीमोस के अंदर क्रेटोस के खिलाफ क्रोध और बदला लेने की भावना बढ़ता ही जा रहा था, क्योंकि उसको लगता था क्रेटोस ने उसे अबैंडन कर दिया, इसलिए इतने सालों के बाद भी क्रेटोस उसको बचाने नहीं आया। दूसरी तरफ क्रेटोस उसका भाई को खोने के बाद उसके याद में डीमोस के शरीर में मौजूद बर्थमार्क के जैसे दिखने वाले टैटूज अपने शरीर में करवा लिया। और बड़े होने के बाद क्रेटोस ये भूल चुका था कि वो एरीज और अथेना ही थे जो गॉड्स का राजा ज्यूस के आदेश का पालन करते हुए क्रेटोस के भाई डीमोस को बचपन में अपहरण करके उनके साथ लेके चले गए थे। प्रेजेंट में क्रेटोस उसकी माँ की तलाश करने अटलांटिस की तरफ जाने के समय गॉडेस ऑफ विजडम एंड वॉर अथेना क्रेटोस को बताती है, तुम जो करने जा रहे हो वो सही नहीं है क्योंकि तुम्हें इस बारे में बहुत कुछ पता नहीं है। पर क्रेटोस अथेना के बातों को अनसुना करते हुए अटलांटिस की तरफ उसका सफर जारी रखता है। उसके बाद समुद्र का देवता पोसाइडन को जब पता चलता है कि क्रेटोस उसकी माँ की तलाश करने पोसाइडन के राज्य में आ रहा है, तो वे क्रेटोस को रोकने उसके मिनियंस के साथ सिला नाम के एक समुद्र राक्षस को भी भेजता है। सिला क्रेटोस के जहाज पे हमला करते हुए उसे डुबाने की कोशिश करती है, पर उसका जहाज डूबने से पहले ही क्रेटोस अटलांटिस के किनारे पे पहुंचने में कामयाब हो जाता है। उसके बाद क्रेटोस सिला का सामना करते हुए उसका एक आंख और जबड़े को घायल करते हुए सिला को वहां से भगा देता है। पोसाइडन के मिनियंस को खत्म करते हुए क्रेटोस फाइनली पोसाइडन के टेंपल में घुस के उसके बीमार माँ को जिंदा देख चौंक जाता है। कैलिस्टो क्रेटोस को देख बताती है, मैं तुम्हें बहुत याद करती थी क्रेटोस, और बहुत सालों से मैं इसी दिन का वेट कर रही थी। कैलिस्टो क्रेटोस को बताती है, तुम्हारा पिता मुझे यहाँ ले आया था। बचपन से ही क्रेटोस को उसके पिता के बारे में कुछ भी बताया नहीं गया था, और इतने सालों के बाद उसके माँ से उसके पिता के बारे में सुनने के बाद क्रेटोस और भी उलझन में पड़ जाता है। उसके बाद कैलिस्टो क्रेटोस को बताती है उसका छोटा भाई डीमोस अभी भी जिंदा है और उसको डोमेन ऑफ डेथ में बंदी बना के रखा गया है। ये सुनने के बाद क्रेटोस गुस्से से कहता है, पर आपने तो कहा था डीमोस मर चुका है। जवाब में कैलिस्टो बताती है, तुम्हारा पिता नहीं चाहते थे कि तुम डीमोस के सजा के बारे में कुछ भी जानो, इसलिए मैंने तुमसे झूठ कहा था कि डीमोस मर चुका है, पर अब तुम्हें तुम्हारे भाई को किसी भी कीमत पे आजाद करना है। कैलिस्टो बताती है, स्पार्टा में मौजूद एरीस के टेंपल के अंदर डीमोस तक पहुंचने का राज छुपा है, इसलिए तुम्हें जल्द से जल्द स्पार्टा में जाना चाहिए। तभी क्रेटोस फाइनली उसके माँ से उसके पिता का असली पहचान जानना चाहता है। कैलिस्टो साहस करके क्रेटोस को ज्यूस का नाम बताने की कोशिश तो करती है, पर ज्यूस का नाम कहने से पहले ही कैलिस्टो एक मॉन्स्टर में बदल जाती है। असल में क्रेटोस और उसके भाई के जन्म के बाद ज्यूस ने ही कैलिस्टो को उनके पिता यानी ज्यूस का नाम बताने से इनकार कर दिया था। साथ ही डीमोस को डोमेन ऑफ डेथ में कैद करने के बाद ज्यूस ने ही कैलिस्टो को क्रेटोस के अनजाने में अपने साथ लेके अटलांटिस में चला आया।
ताकि कैलिस्टो फ्यूचर में भी क्रेटोस को उसके भाई के बारे में ना बता पाए। पर ज़ियस किसी भी कीमत पे नहीं चाहता था क्रेटोस को कभी भी उसके पिता के असली पहचान का पता चले। इसलिए कैलिस्टो को अटलांटिस में लाने के बाद ज़ियस ने उसको एक श्राप दिया कि अगर कभी भी कैलिस्टो क्रेटोस या फिर डीमोस को उनके पिता के असली पहचान के बारे में बताने की कोशिश करेगी तो वो नाम बताने से पहले ही कैलिस्टो एक राक्षस में बदल के अपने ही बेटों को मार देगी। उस श्राप के मुताबिक कैलिस्टो ज़ियस का नाम बोलने से पहले ही एक मॉन्स्टर बनके क्रेटोस के ऊपर हमला कर देती है। अंत में ना चाहते हुए भी क्रेटोस को उसके माँ से लड़ते हुए उसको मारना पड़ता है। मरने से पहले कैलिस्टो वापस उसके इंसानी रूप में आके उसे मुक्त करने के लिए क्रेटोस का शुक्रिया अदा करते हुए फिर से उसके भाई को ढूंढने का रिक्वेस्ट करते हुए दम तोड़ देती है। इतने सालों के बाद क्रेटोस उसके माँ को पाके फिर से खो देने की वजह से गुस्से से पागल हो जाता है और उसके भाई को ढूंढने के लिए स्पार्टा में मौजूद एरिस के टेम्पल में जाने का फैसला करता है। पर अटलांटिस से निकलने के समय क्रेटोस के ऊपर फिर से सीला हमला कर देती है। इस बार सीला क्रेटोस को पानी के अंदर डुबो के मारने की कोशिश करती है पर क्रेटोस उससे बचते हुए अटलांटिस के नीचे मौजूद मेथाना वॉल्केनो में पहुंच जाता है जहां फिर से सीला को घायल करके क्रेटोस वहां से भगाने में कामयाब हो जाता है। उसके बाद मेथाना वॉल्केनो को फर्दर एक्सप्लोर करते हुए पोसाइडन के गुलामों के साथ लड़ते हुए क्रेटोस उस वॉल्केनो में बंधक टाइटन थियारा को देखता है। थियारा एक लावा टाइटन है जिसको मिथाना वॉल्केनो में पोसाइडन बंदी बना के रखा है। क्रेटोस को देख खुश होकर थियारा बताती है गाया यानी पृथ्वी की देवी ने ही पहले से उनको बताई थी कि सभी टाइटन्स को क्रेटोस के जरिए ही आजादी मिलेगी। जवाब में क्रेटोस बताता है ना ही मुझे तुमसे और ना ही किसी टाइटन से कोई लेना देना है। थियारा बताती है यहाँ से निकलने के लिए तुम्हें मेरी मदद की जरूरत पड़ेगी क्रेटोस और अगर तुम मुझे आजाद कर देते हो तो तुमको मेरे पावर्स भी मिल जाएगा। ये सुनने के बाद क्रेटोस थियारा के छाती पे उसके ब्लेड्स घुसा के थियारा की शक्तियों को खुद के अंदर अब्सॉर्ब कर लेता है और इसी एक्ट से थियारा भी सारे जंजीरों को तोड़ते हुए खुद को आजाद कर लेती है। आजाद होने के बाद थियारा वहां मौजूद सब कुछ तबाह करना शुरू कर देती है पर क्रेटोस उस चेंबर से निकलते हुए खुद का जान बचाने में कामयाब हो जाता है। वहां से निकलने के बाद क्रेटोस के ऊपर फिर से सीला हमला कर देती है। इस बार क्रेटोस सीला को जान से मार देता है। पर सिला के साथ क्रेटोस के लड़ाई में आधे से ज्यादा अटलांटिस तबाह हो गया था और साथ ही बंधक थियारा मेथनो वॉल्केनो से आजाद होने के बाद बदले की भावना में एक विशाल बांध के जरिए पूरे अटलांटिस शहर को समुन्दर के नीचे डुबो देती है। स्पार्टा में जाने के समय क्रेटोस देखता है मौत का देवता थैनाटोस की बेटी एरिनिस अटलांटिस के तबाही के बाद क्रेटोस को चेतावनी देने के लिए उसको ढूंढते हुए बहुत सारे स्पार्टन सैनिकों को मार दिया है ताकि क्रेटोस उसके भाई का खोज करना बंद कर दे। पर स्पार्टन सैनिकों को मरते देख क्रेटोस का गुस्सा और भी बढ़ गया था। रास्ते में क्रेटोस को एक रहस्यमय कबर खोदने वाला मिलता है, वही कबर खोदने वाला जो क्रेटोस को गॉड ऑफ वॉर में एडीस को मारने में मदद किया था और जो असल में उसका पिता ज़ियस है। ज़ियस क्रेटोस को बताता है तुमने पोसाइडन के राज्य अटलांटिस को तबाह करके ठीक नहीं किया। जवाब में क्रेटोस बताता है मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ज़ियस बताता है भूलो मत अब तुम भी ओलिम्पस का एक सदस्य और एक गॉड हो, तुम्हें गॉड्स के साथ एक गॉड बनके रहने का सम्मान दिया गया है पर तुम्हें इस चीज का कोई कदर ही नहीं है। क्रेटोस बताता है मैं कभी भी इस पद को नहीं पाना चाहता था, मुझे बस अपने भाई को ढूंढना है। ज़ियस कबर खोदते हुए बताता है तुम्हें तुम्हारा भाई कभी नहीं मिलेगा और तुम्हें इसी कबर के पास वापस आना पड़ेगा, इसलिए समझदारी इसी में है कि तुम इस पागलपन को छोड़ के अपने भाई की तलाश में डोमेन ऑफ डेथ में मत जाओ। पर क्रेटोस ज़ियस के बातों को अनसुना करते हुए आगे बढ़ता है। उसके बाद क्रेटोस एरिनिस को देखता है जो बेरहमी से सारे स्पार्टन्स को एक के बाद एक मारती जा रही है।
गुस्से में क्रेटोस एरिन इसका पीछा करते हुए उसका सामना करता है। एरिनिस को मारने के बाद क्रेटोस फाइनली स्पार्टा में चला आता है, जहां सारे स्पार्टन्स नया गॉड ऑफ वॉर यानी क्रेटोस की बहादुरी की प्रशंसा करते हुए उसका स्वागत करते हैं। उसके बाद क्रेटोस एरिस के टेंपल की तरफ जाने के लिए एक गुप्त रास्ते से होके एक तहखाना में चला आता है। वह क्रेटोस गलती से एक कैदी को आजाद कर देता है जो एरिस का भक्त है, और क्रेटोस को देख वो व्यक्ति एरिस का मौत का बदला लेने चालाकी से क्रेटोस के ऊपर एक लायन को छोड़ देता है, पर अंत में क्रेटोस उस लायन के साथ एरिस के भक्त को भी मार डालता है। उस जगह से निकलने के बाद क्रेटोस एरिस के टेंपल के सामने आके देखता है एक स्पार्टन का दल एरिस के मूर्ति को तोड़ के वहां पे क्रेटोस का मूर्ति बनाने वाला है। एरिस के टेंपल में घुसने के बाद एरिस के मूर्ति को देख क्रेटोस एहसास करता है वो बचपन से जिस गॉड को सबसे ज्यादा हेट करता था आज वो खुद ही वही गॉड यानी द गॉड ऑफ वॉर बन गया। इन चीजों को सोचते हुए क्रेटोस एक आईने के सामने उसके बचपन के रूप को देखता है, जो उसके भाई टीमोस को गॉड ऑफ वॉर के कब्जे से बचाने अब नया गॉड ऑफ वॉर यानी क्रेटोस के ऊपर हमला कर देता है। ये लड़ाई असल में क्रेटोस के दिमाग में चल रहा था, और ये सीन क्रेटोस के दिमाग में चल रहे बुरी यादें और उलझनों को दर्शाता है, जहां क्रेटोस को लग रहा था उसी के वजह से इतने दिनों तक उसका भाई कैद में टॉर्चर हो रहा है। बचपन में क्रेटोस उसके भाई को एरिस से बचा नहीं पाया, और बड़ा होने के बाद क्रेटोस एरिस का ही गुलाम बन के जी रहा था, जो उसके भाई के सफरिंग्स का मूल कारण है। क्रेटोस ने उसके भाई को ढूंढने की भी कोशिश नहीं की, क्योंकि क्रेटोस को पता ही नहीं था कि डीमोस अभी भी जिंदा है। पर अंत में क्रेटोस उसके दिमागी सोच से आगे बढ़ते हुए उसके लक्ष्य को पाने के लिए उसके बचपन के रूप को खत्म करके इन बैड मेमोरीज नेगेटिव थिंकिंग्स और डाउट्स को उसके दिमाग से हटा देता है। उसके बाद एरिस के टेंपल को छानबीन करते हुए क्रेटोस को पता चलता है डोमेन ऑफ डेथ का एंट्रेंस एटलांटिस में मौजूद है, इसलिए उसे वापस एटलांटिस के शहर में जाना पड़ेगा। स्पार्टा से निकलने के समय एक स्पार्टन की तरफ से क्रेटोस को उसका पुराना स्पार्टन हथियार गिफ्ट के तौर पे मिलता है। क्रेटोस उस व्यक्ति का शुक्रिया अदा करके वहां से निकल जाता है। आगे बढ़ते हुए थानाटोस एक स्पार्टन सैनिक के बॉडी को पोजेस करके क्रेटोस को चेतावनी देते हुए बताता है, तुम जो रास्ते पे चल रहे हो ना वो सारे गॉड्स के खिलाफ है, और अगर तुम अपने भाई को छुड़ाने की कोशिश करोगे तो मैं तुम दोनों को ही खत्म कर दूंगा। क्रेटोस थानाटोस के बातों को अनसुना करके आगे बढ़ते हुए कैनियंस ऑफ सोरो में आ जाता है, जहां उसकी मुलाकात राजा माइडस से होता है। माइडस फ्रिजिया का एक अमीर और लालची राजा था, जिसने एक समय गॉड ऑफ वाइन डायनेसिस के दोस्त का खास ख्याल रखा था। माइडस के काइंड ट्रीटमेंट को देख डायनेसिस उससे प्रसन्न होके उसे कोई भी एक वरदान मांगने का मौका दिया था। तब माइडस ने डायनेसिस से वरदान मांगा कि वो जिस चीज को छुएगा वो चीज सोने में बदल जाएगा। ये वरदान पॉपुलरली द गोल्डन टच के नाम से भी जाना जाता है। पर इस वरदान को पाने के बाद माइडस की लाइफ पूरी तरह से बिखर गया, क्योंकि दूसरी चीजों के साथ माइडस की फूड्स और ड्रिंक्स भी छूने से सोने में बदलता गया। और एक दिन माइडस गलती से उसके बेटी मेरी गोल्ड को टच करते हुए उसे भी सोने में बदल दिया। तब माइडस को समझ में आ गया उसने जो वरदान मांगा था वो अब उसके लिए एक श्राप बन गया है।
पर क्रिएटर्स को माइडस के दुख भरी कहानी और श्राप से कुछ भी लेना देना नहीं था, क्योंकि उसे बस आगे बढ़ना था। इसलिए क्रिएटर्स माइडस के श्राप का इस्तेमाल करने के लिए उसे मारते हुए बेहोश करके माइडस को एक लावा के नदी में फेंक देता है, जिसका फलस्वरूप उस लावा से भरी नदी सोने में बदल जाता है और क्रिएटर्स उस सोने के सॉलिड नदी से होते हुए कैनियंस ऑफ सोरो से बाहर निकल आता है। माइडस इस श्राप से हमेशा मुक्ति पाना चाहता था, इसलिए देखा जाए तो क्रिएटर्स अनजाने में ही सही माइडस का इस्तेमाल करते हुए उसे इस श्राप से भी मुक्त कर देता है। स्पार्टा से निकलने के बाद क्रिएटर्स उसके लोगों को लेके उसके जहाज में एटलांटिस की तरफ बढ़ता है, जो शहर अभी समुन्द्र के नीचे डूब चुका है। पर क्रिएटर्स का जहाज एटलांटिस के करीब आने के बाद उनके ऊपर पोसाइडन के मिनियंस हमला करते हुए उनके जहाज को डुबो देता है, जिसका फलस्वरूप क्रिएटर्स के अलावा जहाज में मौजूद सभी लोग मारे जाते हैं। समुद्र के नीचे एटलांटिस के शहर में पहुंचने के बाद पोसाइडन उसके एक मूर्ति के जरिए क्रिएटर्स को थ्रेट देते हुए बताता है, जल्द ही मेरे राज्य को डुबाने की कीमत तुम्हें चुकाना पड़ेगा। क्रिएटर्स एटलांटिस में डोमेन ऑफ डेथ के एंट्रेंस को ढूंढते हुए क्रिएटर्स फिर से अथेना से मिलता है, जो वापस क्रिएटर्स को समझाने की कोशिश करते हुए बताती है, तुम जो रास्ते पे चल रहे हो उसे सिर्फ तुम्हारा नुकसान ही होगा, अभी भी समय है, लौट जाओ। क्रिएटर्स अथेना बताती है, तुम्हारा भाई ओलिम्पस के गॉड्स के लिए एक खतरा था, इसलिए उसको बंदी बना के रखा गया है। तभी क्रिएटर्स को याद आ जाता है वो अथेना और एरीज ही थे जो बचपन में डीमोस को उससे छीन के ले गए थे। क्रिएटर्स गुस्से में अथेना से पूछता है, तुमने उस समय डीमोस का मदद क्यों नहीं किया था? जवाब में अथेना बताती है, डीमोस की तकदीर मेरे हाथों में नहीं था क्रिएटर्स, पर उस दिन मैं तुम्हें एरीज के हाथों से बचाने के लिए वहां मौजूद थी। क्रिएटर्स बताता है, मैं अपने भाई को बचा के रहूंगा अथेना, और तुम मेरे रास्ते में मत आना। उसके बाद क्रिएटर्स एटलांटिस को एक्सप्लोर करते हुए आखिरकार डोमेन ऑफ डेथ के एंट्रेंस को ढूंढ लेता है। उस दरवाजे से होते हुए डोमेन ऑफ डेथ में घुसने के बाद क्रिएटर्स उसके भाई डीमोस को कैद से आजाद करता है, पर आजाद होने के बाद डीमोस उसके सजा और सफरिंग का जिम्मेदार क्रिएटर्स को मानते हुए उल्टा उसके ऊपर ही हमला कर देता है। फाइट के दौरान क्रिएटर्स डीमोस से लड़ना बंद कर दिया था, पर डीमोस गुस्से में फिर भी क्रिएटर्स को मारता ही जा रहा था। तभी अचानक पीछे से थैनाटोस आके डीमोस को उसके साथ लेके वहां से चला जाता है। जाने के समय थैनाटोस क्रिएटर्स को बताता है, तुमने मेरी बेटी को मार दिया है और इसका बदला आज मैं तुम्हारे भाई को मार के लूंगा। क्रिएटर्स भी उनका पीछा करते हुए डीमोस को बचा लेता है। क्रिएटर्स डीमोस को बचाने के बाद उसे उसका पुराना स्पार्टन हथियार देता है और उसके बाद दोनों भाई मिलके एक साथ थैनाटोस का सामना करने आते हैं। लड़ाई से पहले थैनाटोस हंसते हुए क्रिएटर्स को बताता है जो मार्क्ड वॉरियर के बारे में भविष्यवाणी किया गया था, जो योद्धा ओलिम्पस और सारे गॉड्स के बर्बादी का कारण बनेगा वो तुम्हारा भाई नहीं है, वो तुम खुद हो क्रिएटर्स, और एरीस ने चुनने में गलती कर दिया था। असल में क्रिएटर्स के स्किन से जुड़ा हुआ उसके बीवी और बेटी का राख ही उस मार्क्ड वॉरियर का निशानी था जिसके बारे में भविष्यवाणी किया गया था। थैनाटोस क्रिएटर्स को बताता है, पर अब उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हारे तकदीर में जो भी होने वाला है उसमें तुम्हारा कोई हाथ नहीं है। जवाब में क्रिएटर्स बताता है, मैं गॉड्स को अपने तकदीर का फैसला नहीं करने दूंगा। थैनाटोस हंसते हुए बताता है, प्राइमोजियल गॉडेस सिस्टर ऑफ फेथ सबकी तकदीर में क्या होने वाला है उसका फैसला करते हैं, और तुम उनके खेल में बस एक छोटा सा मोहरा हो। ये कहते हुए थैनाटोस क्रिएटर्स और डीमोस के ऊपर हमला कर देता है। लड़ाई के दौरान थैनाटोस डीमोस को बुरी तरह से घायल करते हुए उसे जान से मार देता है, और इतने दिनों के बाद उसके भाई को पाने के बाद वापस उसको अपने आंखों के सामने खोते देख क्रिएटर्स गुस्से से पागल हो जाता है।
और अंत में क्रेटोस थानाटोस को बेरहमी से मार डालता है। लड़ाई खत्म होने के बाद क्रेटोस मायूस होके उसके मृत भाई के शरीर को उठा के पहाड़ी के ऊपर ले आता है, जहां वही रहस्यमय कब्र खोदने वाले के भेस में ज्यूस ऑलरेडी क्रेटोस के भाई का कब्र खोद के उसके लिए इंतजार कर रहा था। क्रेटोस उस कब्र में उसके भाई के शरीर को डाल के बताता है, अब तुम आजाद हो। उसके बाद क्रेटोस उस पहाड़ी के ऊपर से फिर से आत्महत्या करने की सोचता है, क्योंकि गॉड्स के वजह से क्रेटोस अनजाने में उसके बीवी और बेटी को मार दिया था। फिर गॉड्स का दिया गया श्राप के कारण क्रेटोस को उसके माँ को भी मानना पड़ा, और अब इतने मुश्किलों का सामना करते हुए इतने सालों के बाद उसके भाई को आजाद करने के बावजूद भी उसके भाई का भी मौत हो गया। गॉड्स के ही वजह से आज क्रेटोस का कोई अपना कहने लायक जिंदा नहीं बचा है। क्रेटोस खुद से पूछता है, गॉड्स के वजह से आज मैं क्या बन गया हूँ। जवाब में ज्यूस क्रेटोस को बताता है, तुम पूरे दुनिया को तबाह करने वाला मौत बन चुके हो। ये कहते हुए ज्यूस वहां से चला जाता है, और दूसरी तरफ से एक पोर्टल के जरिए अथेना क्रेटोस से आके मिलती है। अथेना क्रेटोस को बताती है, तुम्हारे भाई के मौत के साथ तुम्हारे इंसानी दुनिया का संबंध अब पूरी तरह से खत्म हो चुका है, इसलिए अब तुम एक सही मायने में गॉड बन सकते हो। ये कहते हुए अथेना उसकी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए क्रेटोस को एक प्योर गॉड बनाने की कोशिश करती है, पर क्रेटोस गुस्से में अथेना को ये करने से रोक देता है, और एक पोर्टल के जरिए क्रेटोस ओलिम्पस में लौट जाता है। वहां से जाने के समय क्रेटोस गुस्से से अथेना को बताता है, ये खेल अभी खत्म नहीं हुआ है अथेना, ओलिम्पियन गॉड्स ने जो मेरे साथ किया है उसका कीमत उनको चुकाना पड़ेगा। पोस्ट क्रेडिट सीन में हम फिर से ज्यूस को वही कब्र खोदने वाले के रूप में देखते हैं, जो क्रेटोस के भाई की कब्र के पास मौजूद और एक खाली कब्र में क्रेटोस की माँ यानी कैलिस्टो के शरीर को भी डाल देता है। वहां पे और एक खाली कब्र था, जिसको देख ज्यूस कहता है, बस अब एक ही बचा है। इस सीन को देख के ये क्लियर हो जाता है, ये तीसरा कब्र ज्यूस ने क्रेटोस के लिए खोद रखा है। दूसरी तरफ हम क्रेटोस को उसके न्यू आर्मर में गॉड ऑफ वॉर के सिंहासन में देखते हैं, जो हाल ही में उसके माँ और भाई को खोने के बाद बदले की भावना में अब पूरे दुनिया को भी तबाह करने में पीछे नहीं हटेगा। और इसी के साथ गॉड ऑफ वॉर होस्ट ऑफ स्पार्टा की कहानी खत्म हो जाती है।